हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अपनी क्लास। और मैं आपका अपनी क्लास चैनल में स्वागत करता हूं। और जैसे कि आप देख रहे हैं, TGT नॉन मेडिकल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, पहले जो टोटल क्वेश्चन जो है 170 हैं। और फ्रेंड, इससे पहले कि हम स्टार्ट करें कि अपनी क्लास चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है मिलते रहें। तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे भी, केमिस्ट्री जो है वो आपकी 30 मार्क्स की है, मैथ्स जो है 32 मार्क्स का है, और फिजिक्स 38 मार्क्स की है, और बीएड के सिलेबस जो है लगभग 20 मार्क्स की हैं। अगर आप इनका टोटल करें तो 120 जो है इनका बनता है। और यहाँ बात करें जीके की, तो जीके जो है ओवरऑल आपका 36, एचक्यू जीके 6 मार्क्स, हिंदी इंग्लिश 3 क्वेश्चन 6 मार्क्स, और लोकल जो लॉजिकल रीजनिंग जो है आपकी 2 मार्क्स, टोटल करें तो 50 मार्क्स। और फ्रेंड्स, अगर आप ओवरऑल इसका टोटल करेंगे तो लगभग जो है आपका 170 क्वेश्चन जो है वो इस तरह से बनते हैं। अब थोड़ा डिटेल में हम देख लेते हैं कि जीके में किस तरह के कितने क्वेश्चन आते हैं। तो आपके जो हिस्ट्री के जो हैं लगभग 8-10 क्वेश्चन जो हैं वो आते ही आते हैं, आप इन्हें अच्छे से तैयार करें। और जीके इंडिया के जीके में कौन सबसे इंडिया का नंबर 1 स्टेट है, किस फील्ड में, इस तरह की इंडिया से रिलेटेड जो है या स्टेट से जो रिलेटेड हैं वो 8-10 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। इंडियन इकॉनमी से 3-4 क्वेश्चन जो हैं वो आ ही रहे हैं। अगर बात करें संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशन की, तो लगभग 3-4 क्वेश्चन जो हैं वो डेफिनेटली आ ही रहे हैं। और जनरल जीके में भी आपका 1-2 क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन जो हैं जनरल जीके में आ रहे हैं। अगर वर्ल्ड जीके की बात करें तो 3-4 क्वेश्चन आ ही रहे हैं। और आज करंट अफेयर की अगर बात करें हम, तो लगभग उसमें भी उतने ही नंबर जो हैं वो आ रहे हैं, उतने ही क्वेश्चन जो हैं आ रहे हैं। और टोटल जो है आपका बनता है 36 या 38, इसमें हिंदी इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग जो है वो इंक्लूड नहीं है। और आप देख सकते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट 50 जीके क्वेश्चन जो है मैं बना चुका हूँ, उसका वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक आप चेक कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, थोड़ा 1-2 क्वेश्चन जो है आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये जो स्टडी है प्रीवियस 2-3 पेपर को देख के ही ये पैटर्न जो है तैयार किया गया है। तो कुछ क्वेश्चन का जो है वो हो सकता है 1-2 आगे पीछे, चाहे हिस्ट्री के 2 बढ़ सकते हैं या कम हो सकते हैं, इस तरह से जो है क्वेश्चन आपके आ ही रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस तरह के अक्सर मैं वीडियो लेके आता रहता हूँ, और अपनी क्लास चैनल जो है आप इसके लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मेन जो है हमारा, हम टीचर बनने जा रहे हैं तो बीएड के सिलेबस से काफ़ी हद तक जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे साइको से, साइको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बच्चों को अगर पढ़ाना है तो उनकी साइको जाननी पड़ेगी। तो ये लगभग 8-10 क्वेश्चन जो है इसके आ रहे हैं। फिलॉसफी से भी हमारे 2-3 क्वेश्चन जो हैं आ ही रहे हैं। और अगर हम बात करें एजुकेशन टेक्नोलॉजी कमीशन कमेटी, ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो आ रहे हैं। एजुकेशन टेक्नोलॉजी में भी आपके 2-3 मार्क्स के जो हैं वो आ रहे हैं। और कमीशन कमेटी की बात करें तो भी इसमें क्वेश्चन जो हैं 2-3 आ रहे हैं। सो डियर फ्रेंड्स, आप ये ना समझे कि ये डेफिनेटली है, 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं, बाकी वैसा का वैसा ही पैटर्न है। और बीएड की बात करें तो आप इसके मैं 3 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स बना चुका हूँ बीएड सिलेबस के ऊपर, जिसमें आपके फिलॉसफी, AT, कमीशन कमेटी और साइको के मिक्स क्वेश्चन हैं। तो 30 और 20 क्वेश्चन 3 पार्ट्स हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में उसको भी चेक कर सकते हैं, आपकी तैयारी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। सो फ्रेंड्स, इस तरह से जो है आपको वेस्ट बेसिक है, अगर कोई कमी रहेगी तो माफ़ कीजिएगा और सुधारूंगा आगे से। और चैनल आप वीडियो में बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी। तो इससे जो है हमारा हौसला जो है वो तीसरे आसमान पे पहुंच जाता है। और आगे भी कुछ करने के लिए आपके लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जो है वो हमें डेफिनेटली जो है हमारा जो करेज है वो बढ़ाता है। सो बेस्ट विशेस आपको, आप टीचर बने, मैं भी एक खुद अध्यापक हूँ और कोशिश करता हूँ, जब भी टाइम लगे तो आपका वेलकम है। एंड थैंक यू एंड